कृषि मंत्रालय ने रबी की बुआई की 25 नवंबर तक की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार दलहन की बुआई बीते वर्ष इस अवधि के मुकाबले फिलहाल कमजोर है। हालांकि अंतर बहुत मामूली सा है। बीते साल रबी सीजन में इसी अवधि में कुल दलहन की बुआई 94,37,000 हेक्टेयर में हुई थी और इस साल का रकबा 94,26,000 हेक्टेयर है। बाजार को उम्मीद है कि इस साल बारिश देर तक जारी रहने से बुआई लेट हुई है, ऐसे में दलहन का रकबा जल्द ही बीते वर्ष के समान नजर आएगा। तुअर दाल में उपभोक्ताओं की खरीदारी कमजोर रहने से मिलर्स की तुअर खरीदी में रुचि भी बेहद कमजोर देखने को मिली। यही वजह है कि तुअर में 5वें सप्ताह में भी मंदी देखने को मिली है। वहीं अफ्रीका से लगातार तुअर आयात के चलते भी भारतीय बाजारों में मंदी की स्थिति बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन इंदौर मंडी में तुअर में करीब 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली और 200 रुपए टूटकर महाराष्ट्र सफेद 7,000 से 7,200 रुपए तक पहुंच गई। तो वहीं कर्नाटक तुअर 7,300 से 7,500 तो निमाणी तुअर 6,000 से 6,800 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली है। असर में तुअर दाल में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में नई तुअर की आवक छुटपुट रूप से बढ़ रही है, जिससे मंदी का दबाव बना हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि देश में देसी तुअर का कैरी ओवर स्टॉक काफी कमजोर है और अफ्रीका का दबाव भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।